झारखंड की राजधानी रांची का ऐतिहासिक तपोवन मंदिर अब नए रूप में दिखने वाला है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पर रांची में भी श्री राम जानकी तपोवन मंदिर तैयार होने जा रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही रांची के तपोवन मंदिर की नई प्रतिकृति तैयार की है, जिसका अनावरण और भूमि पूजन आज 9 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या के महासचिव चंपत राय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। तपोवन मंदिर के महंत ओम प्रकाश शरण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 2028-29 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर में 13 गुंबद होंगे। प्रवेश के साथ ही भगवान श्री राम का दर्शन होगा। इसके बाद हनुमान जी, जगन्नाथ भगवान और महादेव के मंदिर होंगे। वर्तमान में स्थापित सभी विग्रहों का अलग अलग मंदिर होगा। मंदिर 11,000 वर्ग फीट में बनेगा। इसकी ऊंचाई 62 फीट और चौड़ाई 110 फीट होगी। हालांकि मंदिर परिसर पूरे 2 एकड़ भूभाग में होगा। मंदिर परिसर में शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल भी प्रस्तावित है। यहां बच्चों के खेलने का पार्क भी होगा। तपोवन मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जुड़को ने इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। स्ट्रीट बस के लिए रांची से जयंत कुमार की रिपोर्ट। पंचवाय स्वाहा